हरे कृष्णा। तो आज हम वो कथा श्रवण करेंगे जो आज के दिन नंद महाराज के घर में उत्सव हुआ, नंदोत्सव। श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है पहले हम उसको पढ़ के सुनाएंगे, नंद महाराज ने कैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज से वर्णन करते हैं। तो इसके पहले की जो घटना है वो आप लोग जानते हैं कि वसुदेव जी अर्धरात्रि में श्री कृष्ण को मथुरा के कारागार से लेकर के नंद महाराज के गोकुल में यशोदा की सैया में कृष्ण को छोड़ देते हैं, और यशोदा की जो कन्या है ना, योग माया, उसको लाते हैं। तो ये सब घटना आप लोग जानते हैं। तो और उस दिन योग माया ने यशोदा को, नंद को और सब गोकुल वासियों को इतनी गहरी नींद में सुला दिया था कि किसी को पता नहीं चला, माता यशोदा को भी पता नहीं चला कि उनको पुत्री पैदा हुई है या पुत्र पैदा हुआ है। इतनी गाढ़ निद्रा में सोई थी। माता यशोदा को इतना पता चला कि उनको जो है संतान पैदा हुई है, लेकिन पुत्र है या पुत्री है इतना भी उनको पता नहीं चला। परिश्रम जो पुत्र के जन्म का जो परिश्रम था उस कारण से, और निद्रा के कारण पता नहीं चला। सवेरा होने पर पता चला क्या कि कृष्ण का जन्म हुआ है। अब कृष्ण के जन्म का उत्सव सवेरे मनाया गया, रात में नहीं मनाया गया। तो आज के दिन जो है नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। आज गुरुवार है, वो भी गुरुवार था। बुधवार कल थी कृष्ण का जन्म, तो वो भी बुधवार था, 5000 साल पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आज गुरुवार को जो है नंद महाराज ने उत्सव मनाया, और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया, और वे ब्राह्मण शुभ वैदिक मंत्रों का जब पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न कराया। उन्होंने देवताओं और पितरों की भी पूजा करवाई अपने घर में। नंद स्वात्मज उत्मन्ने जाताह्लादो महामनम आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य मे कारयामास विधिवन् पितृदेवार्चनम तदा। तो तात्पर्य में लिखा है कि यद्यपि कृष्ण देव की पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव और देव की इस आनंद को नहीं उठा पाए। क्या? जात कर्म का। कृष्ण के जात कर्म संस्कार का आनंद नहीं उठा पाए। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहां बताया गया है, नंद स्वात्म जो उत्पन्न जाता हला दो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण वास्तव में तुम मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। इसके बाद और बातें हैं। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव होता है, नाल काटने का। अब प्रश्न उठता है कि नाल कैसे
काटा गया, क्योंकि कृष्ण तो लाए गए थे, तो फिर नाल काटने वाली बात फिर कहां से आती है। हाँ, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव इसके लिए कहां अवसर था नाल काटने का। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। कृष्णानुजा, जो यशोदा की पुत्री है योग माया, उसको कहते हैं कृष्णानुजा, यानी कृष्ण की छोटी बहन। इसका मतलब क्या हुआ कि यशोदा से कृष्ण ने जन्म लिया, तो ये बड़ा रहस्य है इसमें। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। हाँ, पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा है अथवा नहीं कटा है। इतना हर्ष हुआ कि उनको उन्होंने ध्यान ही दिया कि पुत्र का नाल पहले से कटा है। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए ये उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। अब नंद महाराज ने कैसे उत्सव किया देखिए। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दान की, 20 लाख गौएं दान की, और वो गौएं कैसी हैं, वस्त्रों से और रत्नों से सजाई गई हैं। गौओं को ऐसे दान नहीं दिया है कि मतलब वैसे दान दिए, वस्त्रों से और रत्नों से सजाया गया, और कितनी गौएं, 20 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी, और तिल के 7 पहाड़ ब्राह्मणों को दान किए, 7 पर्वत किस चीज के, तिल के, उसमें वस्त्रों से सजाए गए हैं, सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से रत्नों से सजा करके तिल के 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान दिए। धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्या समलंकृते शिलाद्रीन सप्त रत्नौघम सात कौंभम बराबृतां। अब शुद्ध किया, अपने को शुद्ध किया नंद महाराज ने। जैसे समय बीतने के साथ साथ धरती शुद्ध होती है और दूसरी संपत्ति शुद्ध हो जाती है, इस नाम से शरीर शुद्ध होता है, और संस्कार से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से अपना धन शुद्ध होता है, संतोष करने से मन शुद्ध होता है, और आत्मज्ञान से कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होती है। तो सब प्रकार से नंद महाराज ने अपने को शुद्ध किया। काले निस्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे ज्ञयाम शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्याम द्रव्याण्यात्मात्म विद्ययाम। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया, मंगलकारी वैदिक मंत्रों का पाठ किया, जिनकी ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया, और पुराणों को सुनाने वाले पौराणिक थे, उन्होंने पुराणों का पाठ किया, और गवैयों ने गाने गाए, भेरी दुंदुभी आदि बाजों के साथ में सब प्रकार के मंगल गीत गाए। सौ मंगल्य गिरो विप्राम सूत मागद वंदिना गायकाश्चा जगुर्ने दुर् भेर्यो दुंदु भयो मुहु। अब व्रत की कैसी शोभा है, कृष्ण के जन्मोत्सव में व्रत की कैसी शोभा है। नंद महाराज का जो निवास है उसे कहते हैं क्या, ब्रजपुर। क्या कहते हैं, ब्रजपुर। ये ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों से और झंडों से पूरा ब्रजपुर सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं वस्त्रों से द्वार बनाए गए हैं।
और आम की पत्तियों के द्वार बनाए गए हैं पूरे ब्रज में। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे और घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी प्रकार से झाड़ी बुहारी गई और धोई गई। भजा समृत संसिक्त द्वारा गृहांतर चित्र ध्वज पताका श्रंग चैल पल्लव तोरण। अब ब्रज के जो गाय बैल हैं ये कैसे सजाए गए हैं, गायों बैलों और बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी और तेल के साथ लेप किया गया है। हल्दी और तेल के छाप, हाथ के छाप लगाए गए हैं और नाना प्रकार के खनिज जो रंगीन धातुएं होती हैं उनसे उनको रंगा गया है। किसको? गायों को, बैलों को, बछड़ों को रंगा गया है। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया और मालाएं पहनाई गई हैं बैलों को, बछड़ों को और गायों को, और उनके ऊपर वस्त्र और सुनहरे आभूषण पहनाए गए हैं। देखो स्त्री पुरुषों की तो बात छोड़ो, गैया बछड़े और बैल इनको भी वस्त्र और गहने पहनाए हैं। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु बरह श्रंग वस्त्र कांचन मालिना। और जो ग्वाले हैं, जो ग्वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अत्यंत मूल्यवान गहने कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे हैं। पगड़ी, बहुत मूल्यवान पगड़ी धारण किए हैं और कंचुक, कंचुक क्या कहते हैं, कंचुक का मतलब कमर का वस्त्र, कमर में फेंटा, पगड़ी और कमर में फेंटा, बहुत ही कीमती फेंटा है कमर में और पगड़ी है। इस तरह से सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंटे लेकर वे नंद महाराज के घर आई। महारे वस्त्राभरण कंचुकोष्णी से भूषिता गोपा समयो राजन नानोपाय में पाणे। अब गोपियां, जो माता गोपियां हैं, दो प्रकार की गोपियां हैं ब्रज में, एक तो प्रेसी गोपियां हैं कृष्ण की और दूसरी माता गोपियां हैं। अभी कृष्ण के जन्म पर जो उत्सव मना रही हैं वो माता गोपियां मना रही हैं जो यशोदा के समान है। तो माता गोपियां ये सुनकर परम प्रसन्न थी कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः भी उपयुक्त वस्त्रों गहनों काजल आदि से अपने को सजाने लगी। गोप्यस्य करुण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भोषयाम चक्रुर वस्त्रा कल्पांजना देवी। अब ये जो माता गोपियां हैं इनका वर्णन है, कैसा वर्णन है, बहुत असाधारण सुंदर मुख वाली ये गोपियां हैं, कमल जैसे सुंदर मुख वाली गोपियां हैं और उनको और अधिक वो सुंदर बनाती हैं केसर से और नव विकसित कुमकुम से, अपने मुख को सुंदर बनाती हैं। अपने हाथों में भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल रही हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे, उनके बड़े बड़े स्तन तेजी से चलने के कारण खिल रहे थे। नव कुमकुम किंजल के मुख पंकज भूते बलभिस्वरितम जगमो प्रदुश्रोण्य चलत कुशां। इन गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित कुंडल थे, उनके गले में धातुओं के कुंडल लटक रहे थे, नहीं धातुओं के लॉकेट, गले में लॉकेट। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे और वेशभूषाएं विविध रंगों की थीं। उनके बालों में लगे फूल रास्ते में गिर रहे हैं, तो तेजी से जा रही हैं, मानो वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही हो ऐसे तेजी से भाग रही हैं। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन और मालाएं बहुत सुंदर लग रही थी। गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ चित्तांबरा पति से काचुते माल्य वर्षा
नंदालयं सवलया ब्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हर शोभा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सारी गोपियां अपने अपनी भेंटें लेकर कृष्ण के पास जा रही थी, क्योंकि ये भगवान की नित्य संगनियां हैं। अब गोपियां वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थी। अब ये जो गोपियां माता गोपियां हैं, इन्होंने क्या किया, नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या कहा कि तुम ब्रज के राजा बनो और यहाँ के सारे निवासियों का पालन करो। उन्होंने अजन्मा भगवान पर जल और हल्दी और तेल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। ता आसिता प्रयुंजाना चिरम पाही बाल के हरिद्रा चूर्ण तैलांदी सिंचन त्यो जनमुजगु। अब ये तो जो है ना गोकुल की बात हुई। अब आकाश में क्या हुआ, आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वव्यापी असीम भगवान कृष्ण महाराज नंद के ब्रज में पदार्पण कर चुके थे। अतः इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजे, किसके, देवताओं के। आकाश में उत्सव हो रहा है। अवाद्यंते विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते। अब गोप लोग जो ना खुशी में क्या कर रहे हैं, इस उत्सव में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के शरीर पर क्या डालते हैं, ये नहीं डालते, कालिक नहीं लगाते, कालिक नहीं पोतते हैं एक दूसरे को, है ना, आजकल वो करते हैं ना, वो गंदा चीज है, नहीं, दही खीर और मक्खन डालते हैं एक दूसरे के शरीर पर। देखा, एक दूसरे शरीर पर दही खीर और मक्खन तथा जल का मिश्रण छिड़क करके इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और परस्पर शरीरों पर लेप भी किया, एक दूसरे के शरीर पर मक्खन मलते हैं। ये है असली उत्सव। गोपा परस्परम हृष्टा नदी क्षीर घृतम वो भी आसिंचन्तो विलिम्बन्तो नवनीते सचिक्षिपो। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व दूध दही और मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध दही मक्खन और ऐसे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इस पर कोई रोक ना थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह था। इससे नाना व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे और कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताते थे। अब नंद महाराज क्या करते हैं, और भी दान करते हैं, और दान करते हैं, उदार चित्त है, बहुत उदार चित्त है नंद महाराज। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब ग्वालों को दान देते हैं। ब्राह्मणों को तो दान दिया ही, ग्वालों को दान दिया, वस्त्र आभूषण और गौवें दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा अपने पुत्र के मंगल के लिए। इस तरह उन्होंने अपने सूतों को, मागधों को, बंदियों को और अन्य भिखारियों को उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया, हर एक इच्छाओं को तुष्ट किया। नंदो महामना सेव्यो वासो लंकार गोधनम सोत मांगद वंदेव्यो ये ने विद्योपजीविना तैसे कामेर अधीनात्मा यथोचितम अपूजयन विष्णु राधनार्थाय सपुत्रस्योदयाय च। तो विष्णु की आराधना करके, अब वो कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम है कि वो नहीं जानते हैं कि उनका जो पुत्र कृष्ण है वो विष्णु का भी क्या है, अंशी है। विष्णु उनके अंश हैं, कृष्ण के, लेकिन विष्णु की पूजा कर रहे हैं कृष्ण के कल्याण के लिए, क्योंकि कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, उनका ही उद्देश्य था, इसीलिए वे विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे। और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके भक्तों को
जैसे विद्वान ब्राह्मणों को, मागधों को, सूतों को प्रसन्न किया। अब रोहिणी माता वो क्या करती हैं, बलदेव जी की माता रोहिणी है, बहुत भाग्यशालिनी है रोहिणी माता। क्यों? क्योंकि उनको ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वसुदेव की 17 पत्नियां हैं, 17 पत्नियां हैं, हाँ, तो उनमें रोहिणी सबसे ज्यादा भाग्यशालिनी है, जो कि नंद महाराज के घर में रहती हैं। तो कृष्ण के जन्म के उत्सव में रोहिणी क्या करती हैं, नंद और यशोदा के द्वारा बहुत सत्कार पाती हैं रोहिणी माता, और उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण किए, गले के हार माला और अपने अन्य गहनों से अपने को सजाया। जबकि पति अगर प्रवास में हो यानी बाहर हो तो पत्नी को अपने को सजाना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो नियम तोड़ दिया रोहिणी ने कृष्ण के जन्म के उत्सव में अपने को सजाया। वसुदेव जी तो मथुरा में है, तो रोहिणी के लिए उचित नहीं है कि अपना श्रृंगार करें, पति की अनुपस्थिति में पत्नी के लिए श्रृंगार करना उचित नहीं है, लेकिन ये नियम आज तोड़ा रोहिणी ने कृष्ण के जन्म के लिए। इस उत्सव में रोहिणी माता क्या करती हैं, जो आए घर में आई हुई स्त्रियां हैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए इधर उधर घूम रही हैं, व्यस्त हैं बहुत, सब स्त्रियों का सत्कार कर रही हैं जो अतिथि हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरण दिव्य वास श्रृंग कंठाभरण भूषिता। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर भगवान का शाश्वत धाम है, इसलिए समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य वहां निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से वो घर लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थली बन गया। नंद महाराज जितना भी दान करें वो घर में कम नहीं होता है, रत्न है, वस्त्र आभूषण है, वो कम नहीं होते हैं, चाहे जितना दान करो उनका घर भरा है रत्नों से, वस्त्रों से, आभूषणों से। तथारम्भ नंदस्य ब्रजा सर्वे समृद्धि माम हरे निवासात्म गुण रमा क्रीडम अभून। तो ये तो श्रीमद् भागवत का वर्णन हुआ। अब गर्ग संहिता में काफी विस्तार से इस घटना का वर्णन है नंदोत्सव का, तो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गर्ग संहिता में ये कथा नारद जी सुना रहे हैं किसको, राजा बहुलाश्व को, बहुलाश्व राजा बहुलाश्व को सुनाते हैं, मिथिलापुरी के राजा हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्र जन्मोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। अतः पुत्रोत्सव जातम श्रुत्वा नंद क्षणे ब्राह्मण चा समाहूय कार्यामास मंगलम। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 100,000 गौएं दान की। सविधिम जातकम कृत्वा नंदराजो महामन विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्चय मुदा लक्षम गमं ददम। अब नंद महाराज ने क्या किया, 7 पर्वत खड़े किए 1 कोस लंबी भूमि में। 1 कोस का मतलब 2 मील, 1 कोस का मतलब 2 मील, और 2 मील का मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की भूमि पर 7 पर्वत उन्होंने खड़े किए, उनके शिखर में रत्न रखे और सोना रखा, और फिर उसके साथ में दूध दही वगैरह सब उसमें सजा करके ब्राह्मणों को दान दिया। विनम्र भाव से ब्राह्मणों को दान किया 7 पर्वत। क्रोश मात्रम रत्न सानु सुवर्ण शिखरांगिरी सरसान सप्त धान्यानाम ददो विप्रेभ्य आनतः। फिर बाजे बजे, कौन कौन से बाजे, मृदंग, बीणा, शंख, दुंदुभी, ये बाजे बारंबार बजाए
जाने लगे और नंद के द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे, बारांगनाएं नृत्य करने लगी। मृदंग वीणा पणव मृदंग वीणा शंखा दिया ने दुर्दुंद भयो मोह गाय कांचा जग गुरुद्वारे नन्नर्तुर्वारे योषितां। अब नंद मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। पताकाओं से, सोने के कलशों से, चंदुओं से, सुंदर बंधनवारों से, अनेक रंग के चित्रों से नंद का भवन बहुत सजा हुआ है। पता कैर हेम कल सैर बिताने सोरण सुभे अनेक वर्ण चित्र शाह बबो श्री नंद मंदिरम। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और बेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। रत्या विध्यस्त देहल्यों विद्धि प्रांगण वेदिका तोलिका मंडप सभा रेजुर्गंधे जलांबरे। गौओं के सींगों में क्या मढ़ा है? सोना। गायों के सींगों में सोना मढ़ा है और गले में सोने की माला पहनाई गई है और गले में घंटी की झंकार होती है और पैरों में मंजीर की झंकार होती है गौओं के, और पीठ पर लाल रंग की झूलें उड़ाई गई हैं गायों के। गावा सुवर्ण श्रृंगा हेम माला लसन गलाम घंटा मंजीर झंकारा रक्त कम्बल मंडिताम। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया, उनकी पूछें पीले रंग में रंगी गई, उनके साथ बछड़े थे, उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी है। स्त्रियों ने हाथों की छाप लगाई है, किनके ऊपर? बछड़ों के ऊपर। हल्दी, कुमकुम और विचित्र धातुओं से छाप लगाई है स्त्रियों ने, किसके ऊपर? बछड़ों के ऊपर। पीत पुच्छा सबत्ताशा तरुणी कर चिन्हिता हरिद्रा कुमकुमेर युक्ता चित्र धातु विचित्रिता। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत कौन है? बैल। मोर पंखों से सजाए गए हैं और उस फूलों से सजाए गए हैं और सुगंधित जल से नहलाए गए हैं, कौन? बैल। नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित हो रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं बैल नंद महाराज के द्वार पर। बरही पुच्छे गंध जलैर वृषाधर में धुरंधर इतस्ततो विरे ज्योत्री नंद द्वारी मनोहर। गौओं के सफेद बछड़े कैसे हैं? सोने की मालाओं से और मोतियों की हारों से विभूषित है, इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे हैं। बछड़े उछलते हैं ना बहुत, तो बछड़े उछल रहे हैं, उनके पैरों में भी मंजीर बंधे हैं, तो कैसे झंकार हो रही है? बछड़े जो है ना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो पैरों में मंजीर जो है ना बजते हैं बछड़ों के पैरों में। गोवत्ता हेम मालाड्या मुक्ताहार विराजिताम इतस्ततो विलंघंतो मंजीरे चरणासिताम। नंदराय जी के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव का समाचार सुनकर रानी कलावती, कलावती यानी राधा रानी की माता श्री कीर्तिदा, कलावती नाम है इनका, ये वृषभानुवर कलावती के साथ हाथी पर चढ़ करके नंद के मंदिर में आए। राधा रानी के माता पिता हाथी में चढ़ करके आए, कहां पर? नंद के घर में आए। श्रुत्वा पुत्रोत्सवम दर्शय वृषभानु वरस्तथां कलावत्या गजारूढो नंद। तो नंद उसे कहते हैं जिसके पास 900,000 गौएं हों, है ना? तो नंद एक उपाधि है, तो कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता नंदराज है। नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों,
तो नंदराज एक ही थे जो कृष्ण के पिता थे, नौ नंद थे और नौ उपनंद थे। उपनंद उसे कहते हैं जिसके पास 500,000 गौवें हो, जिसके पास 500,000 गौवें हो उसे उपनंद कहते हैं, है ना। तो नौ नंद और नौ उपनंद और 6 वृद्धभानु थे। वृद्धभानु उसे कहते हैं जिसके पास 1,000,000 गौवें हो, तो 6 वृद्धभानु थे। राधारानी के पिता वृद्धभानु नहीं है, राधारानी के पिता है वृद्धभानुवर। वृद्धभानुवर उसे कहते हैं जिसके पास 50,000,000 गौवें हो। तो वृद्धभानुवर एक ही थे जो राधारानी के पिता थे। तो ये सब नौ नंद आए नंदराज के घर में और नौ उपनंद आए और 6 वृद्धभानु आए। वे सभी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। नंदा नवो उपनंदाचासन वृद्धभान नानोपायन संयुक्ता सर्वे ते पी समायु। ये सब कैसे हैं, सिर पर पगड़ी धारण किए और उस पगड़ी के ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने हैं, केसों में मोर पंख और गुंजा बांधे हुए हैं और वनमाला से विभूषित हैं। कौन ये सभी? नंद उपनंद वृषभानु ये सभी। उसनी सो परिमालाड्या पीत कंचुके शोभिता बरह गुंजा बद्ध केशा वनमाला विभूषण। हाथों में बंसी लिए हैं, बैत की छड़ी लिए हैं, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए हुए और कमर में मोर पंख बांधे जितने भी गोपाल हैं वो भी आ पहुंचे। बंसी धरा वेत्र हस्ता सुपत्र तिलकार्चिता बद्ध वर्ण परिकरा गोपाल से भी समायु। वे नाचते और गाते और वस्त्र हिलाते हैं। कौन? गोप लोग और मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति भेंट लेकर वहां पर पहुंचे। कहां पर? नंद भवन में। नृत्यंता परिगायंतो दुनवंतो वसनानि च नानोपायन संयुक्ता अस्मश्रुलास सभा परे। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ मक्खन दूध दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। हे अंगवीन दुग्धानाम दद्या ज्ञानाम बनीन बहु नीत्वा वृद्धा यस्ति हस्ता नंद मंदिर मायु। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से बेहमल होकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रहे थे। कौन? बूढ़े लोग एक दूसरे को नंद के घर में पुत्र जन्मोत्सव का समाचार सुनाते हैं और प्रेम के आंसू बहाते हैं। पुत्रोत्सवम मृजे सस्य कथयंता परस्परम प्रेम विहवल भाव स्वैर आनंदास्त्रो समाकुलां। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराज का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए समस्त गोपों का तिलक के द्वारा विधिवत सत्कार किया। नंदिनी जी ने अपने हाथ से तिलक लगाया सब गोपों के माथे पर। जाते पुत्रोत्सवे नंदा स्वानंदा स्वाकुलेक्षण पूजया मास तान सर्वां तिलकांतर विधानतः। अब गोप नंद महाराज से क्या बात करते हैं सुनिए। कहते हैं हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है ये संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। कलंक क्या है? जिसके घर में पुत्र ना हो तो ये कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है, इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। हे ब्रजेश्वर, हे नंद, जाता पुत्रोत्सव तथा आन पत्ते शिक्षितो लभता किं मंगलम परम। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको ये दिन दिखलाया है, हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। देवेन दर्शितम चेदम दिनम वो बहुर्दिन कृतकृत्या च भूतात्मो दृष्ट्वा श्री नंद नंदनम। अब गोप लोग क्या कहते हैं नंद से, हम कि उन्हें क्या आनंद है, किस बात का आनंद है?
जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाल लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। हा? हमारा सुख क्या है कि आप दूर से अपने पुत्र को गोद में लेकर के हमारे पास आओगे और मोहन मोहन कहोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा इस बात का। देवेन हे मोहने दूरात्म अंकम ने त्वागदेशती यदा लालन भावेन भवितान सदा सुखम। अब नंद क्या कहते हैं, देखिए नंद महाराज कितने विनम्र हैं। कहते हैं हे बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज ये आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। देखा क्या कहते हैं, आपके पुण्य से और आपके आशीर्वाद से ये शुभ दिवस आया है। नंद जी कितने विनम्र है, देखिए मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूं। देखो राजा, ब्रज के राजा क्या कहते हैं कि मैं आज्ञा पालक सेवक हूं, किसका, ब्रजवासी गोप और गोपियों का सेवक हूं। भवताम आशिषा पुण्या जातम सौख्यम इदम शुभम आज्ञा वर्ती हम गोपा गोपानाम ब्रजवासीनाम। तो नारद जी कहते हैं हे राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों की हर्ष की सीमा नहीं रही, उनके हृदय उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। श्री नंद राज सुत संभव मन भुतम चाम श्रुत्वा विसृंज गृह कर्म तदैव गोप्यां तूर्णम ययो सबलयो ब्रजराज गेहान उद्यत प्रमोद परिपूरित हिन मनोंगाम। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची। अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती हुई चलती थीं। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण और केशों के बंधन ढीले पड़ गए, उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। आनंद मंदिर पुरा सुगृहान ब्रजन क्या सर्वा इत सत ओतन स्वर माम ब्रजन क्या यानस्लसन वसन भूषण के सबंदा रेजुर नरेंद्र पति भू परी मुक्त मुक्ता। झनकारते हुए नूपुर नए बाजूबंद सुनहरे लहंगे मंजीर हार मणिमय कुंडल करधनी कंठ सूत्र हाथों के कंगन और भाल देश में लगी हुई बेंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बंदी थी। झंकार नूपुर नवांगद देह हे मचीर मंजीर हार मणि कुंडल मेखला भी श्रीकंठ सूत्र भुज कंकड़ बिंदु का भी पूर्णेन्दु मंडल नवंद्युति भिन्वेरेज हो। वे सब की सब गोपियां क्या करती हैं, राई नून और हल्दी के विशेष चूर्ण गेहूं का आटा पीली सरसों और जौ हाथ आदि हाथों में लेकर बड़े लाल से लाला के मुख पर उतारती हैं और आशीर्वाद देती हैं, नजर ना लगे इसलिए राई नून चेहरे पर उतारती हैं गोपियां आशीर्वाद देती हैं। ये सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा श्री राज का लवण रात्रि विशेष चूर्ण गोधूम सर्व यम कर लाल उत्तार्य बालक मोखब मुखो परिचासि सस्ता सर्वादुर जगुर जगदुर यशोदा। अब यशोदा से क्या कहते हैं गोपियां, हे यशोदा जी बहुत उत्तम बहुत अच्छा हुआ, अहो भाग्य आज परम सौभाग्य का दिन है, आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। साधु साधु यशोदेति दिश्या दिश्या ब्रजेश्वरी धन्या धन्या पराकुक्षिर ययायम जनिता सुतः। वीर काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है, कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके ओठों पर, बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए।
इच्छा युक्तम कृतम तेर दैवे न बहुकालता रक्षवालम पद्म नेत्रम सुस्मितम श्याम सुंदरम। अब यशोदा जी क्या कहती हैं सुनिए। माता यशोदा कितनी विनम्र है, नंद यशोदा कितने विनम्र हैं, जो कृष्ण के माता पिता बने हैं। सोचिए माता यशोदा कैसे बात करती हैं उन गोपियों से। कहती हैं बहन आज आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में ये सुख आया है, है? माता यशोदा भी ऐसे ही हैं। ये आनंद उत्सव प्राप्त हुआ है, मेरे ऊपर आपकी सदा बड़ी दया रही है, इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। भवदीये दया शिविर जातम सौख्यम परम चमे भवती नाम पि परम दृष्ट्या भूयान अतः परम। बहन रोहिणी, अब माता श्रोता रोहिणी से कहती हैं, बहन रोहिणी तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करते हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं, तुम इनका पूजन करो, स्वागत सत्कार करो। कौन कहता है? माता श्रोता रोहिणी से कहती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो, जितना चाहो उतना धन दो इनको अपनी इच्छा के अनुसार, कोई कमी नहीं धन धन की। हे रोहिणी महाबुद्धे पूजनम तो ब्रजो कसाम आगता नाम सत्कुलानाम यथेष्टम हे प्रीतम कुरु। अब रोहिणी भी राजा की बेटी थी, राजा की कन्या पर दान कितना देंगी, वो उनके हाथ खुल गए। स्वभाव से ही उदार दानशील थी, उस पर यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी, फिर क्या उन्होंने उदार से होकर दान देना आरंभ किया। रोहिणी राज्य कन्यापी तत्कनो दानशीलिनो तत्रापि नोदिता दाने ऋतावती मामन। उन्होंने उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, किसकी? रोहिणी की। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे, वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। रोहिणी की साक्षात लक्ष्मी की भांति इधर उधर घूम रही हैं यशोदा के आंगन में और ब्रजांगनाओं का सत्कार करती हैं। गौरवर्ण दिव्यवासा रत्नाभरण भूषिता विचरन रोहिणी साक्षात भोजयंती ब्रजोकसः। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब ओर मानव वाद्य बजने लगे, बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। परिपूर्ण तमे साक्षात श्री कृष्ण ब्रज मांगते नरतु नरतुर्येषु जय ध्वनि रघुन महान। उस समय गोप दही दूध और घी से और गोपांगनाएं ताजे मक्खन के लोनों से एक दूसरे को भिगोने लगे और हर्षोल्लास से गीत गाने लगी। नदी छीर गिरटैर गोपा गोप्यों हे अंग वैर्णवे शिशुर हर्षिता सत्र जगुरुश्च परस्परम। नंद भवन के बाहर और भीतर नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। देखा इतना दही फेंका है कि दही की कीच हो गई है, उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। बहिरंता पुरे जाते सर्व तो दधिकर दमे वृद्धा से स्थूल देहाचा पेतोरहास्यम कृतम परम। वहां जो पौराणिक सूत वंशों से वंशों के प्रशंसक मागध और निर्मल बुद्धि वाले बंदीजन पधारे थे, उन सब को नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए 1,000 गौएं दान दी। जितने भी लोग आए थे गायक और कथावाचक 1,000 गौएं प्रत्येक को दान की और वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े हाथी आदि सब कुछ दान दिया।
समस्त बंदियों और मागधों को नंद राय ने बहुत धन दिया, धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली और घर घर में लौट रही हैं क्या? ब्रज की गली गली में और घर घर में लौट रही हैं क्या? निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति, ये सब लौट रही हैं। किंतु उन्हें पाने की इच्छा किसी के मन में नहीं है। कृष्ण के प्रेम के अलावा और किसी को कुछ इच्छा नहीं है। मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति सब लौट रही हैं गली गली में, किसी को इच्छा नहीं पाने की। बंदिभ्यो मागदेभ्यश्च सर्वेभ्यो बहुलम धनम पवर्षे धनवन गोपो नंदराजो ब्रजेश्वरम निधि सिद्धिश्च वृद्धिश्च भुक्तिर्मुक्तिर् गृहे गृहे विद्याम विद्याम लुठन्ति वै तदिच्छा कश्चिन् नहि। उस समय अब कौन आए, सुनिए ध्यान से। सनत कुमार, सनत कुमार आए, कपिल आए, सुखदेव, व्यासदेव और हंस आए, दत्तात्रेय आए, पुलस्त्य मुनि आए और मैं नारद भी गया। नारद जी कहते हैं मैं भी गया वहां पर और ब्रह्मा जी के साथ हम सब लोग गए। नारद जी कहते हैं सनत कुमार कपिल है सुख व्यासादि भी सह हंस दत्त पुलस्त्यान्देर मया ब्रह्मा जगाम। ब्रह्मा जी का वर्ण कैसा है? तपे हुए सोने जैसा ब्रह्मा जी का रंग है। मस्तकों पर मुकुट और कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर के संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए हैं। हंसारूढ़ो हेम वर्णो मुकुटी कुंडली स्फुरन चतुर्मुखो वेद करता द्योतयन मंडलम दिशां। उनके पीछे कौन है? शंकर जी। ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी हैं। किस पर बैठे हैं? बैल पर, और भूतों से घिरे हुए हैं शंकर जी। उनके पीछे कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता उनके पीछे हैं, रथ के ऊपर चढ़े हैं। सूर्य देवता रथ पर सवार हैं और उनके पीछे इंद्र देवता हैं। किस पर? ऐरावत हाथी पर सवार हैं। उनके पीछे वायु देवता हैं। किस पर सवार हैं? खंजरी पक्षी के ऊपर सवार हैं वायु देवता। फिर उनके पीछे हैं यमराज। किसके ऊपर बैठे हैं? भैंसा के ऊपर बैठे हैं। उनके पीछे हैं कुबेर। किसके ऊपर बैठे हैं? पुष्पक विमान, कुबेर का पुष्पक विमान है। फिर चंद्रमा उनके पीछे आए। किस पर बैठे हैं? मृग के ऊपर। फिर अग्नि देवता आए उनके पीछे। किस पर बैठे हैं? बकरे के ऊपर बैठे हैं अग्नि देवता। फिर उनके पीछे आए वरुण देवता। किस पर बैठे हैं? मगरमच्छ के ऊपर बैठे हैं। फिर उनके पीछे हैं कार्तिकेय। किस पर बैठे हैं? मोर के ऊपर। उनके पीछे सरस्वती देवी। किस पर बैठी हैं? हंस पर। फिर लक्ष्मी देवी उनके पीछे हैं। किस पर बैठी हैं? गरुड़ पर। फिर दुर्गा देवी उनके पीछे। किस पर बैठी हैं? सिंह पर। फिर पृथ्वी देवी गोरूप का धारण करके आई हैं, गाय के रूप में। पृथ्वी देवी वो किसी पर नहीं बैठी है, वो तो जमीन पर चल रही हैं। पृथ्वी देवी गाय के रूप में आई नहीं नहीं वो गाय के रूप में आई हैं लेकिन विमान पर बैठी हैं। पृथ्वी देवी विमान पर बैठी हैं गाय के रूप में। ये सब लोग आए वहां पर। फिर 16 मातृकाएं दिव्य कांति वाली पालकी पर बैठकर आई और षष्ठी देवी आई जो खड्ग चक्र और यष्टि धारण करने वाली हैं, वो भी आई। मंगल देवता आए किसके ऊपर? बानर के ऊपर चढ़ करके मंगल देवता आए। फिर बुध देवता आए किस पर? भास नामक पक्षी पर चढ़ करके। फिर बृहस्पति आए किसके ऊपर बैठ करके? बृहस्पति काले मृग के ऊपर बैठ करके बृहस्पति आए। फिर शुक्राचार्य आए
किसके ऊपर? गवय नाम का जो पशु होता है, गवय के ऊपर चढ़ करके शुक्राचार्य आए। फिर शनि देवता आए, किस पर बैठ करके? मगर पर। फिर राहु देवता आए, किस पर? ऊंट पर बैठ करके राहु। ये सभी ग्रह आए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। नंद मंदिर में पधारे, वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रोके और फिर चले गए। देवताओं को जगह ही नहीं मिली वहां आने की, क्योंकि नंद भवन गोपों से इतना भरा था। तो वो आए और आकाश में क्षण भर रुके, क्षण भर मतलब 4 मिनट के लिए रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। कोलाहल समायुक्तम गोप गोपी गणाकुलम नंद मंदिरम अम्भ्यते क्षणम स्थित्वाय सुराम परिपूर्ण तमम साक्षात श्री कृष्णम बाल रूपिणम नत्वा दृष्ट्वा तदा देवा चक्रुस्तस्य स्तुतिं पराम। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विह्वल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। देखि कृष्णम तदा देवा ब्रह्मा द्यारिसिभिः सुधामानीयो सर्वे हर्षिताः प्रेमे विह्वलाम्। तो ये वर्णन गर्ग संहिता से हमने पढ़ के सुनाया। अब ब्रह्म विवर्त पुराण में भी वर्णन है नंदोत्सव का। इसमें जो कृष्ण कथा है वो सुना रहे हैं कौन? नारायण भगवान, नारायण ऋषि, बद्री नारायण। बद्री धाम में जो नारायण है, बद्री नारायण, नर नारायण, वो कथा सुना रहे हैं किसको? नारद जी को। और नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद जी पूछते हैं नारायण से, गोकुल में हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? नारद जी कहते हैं कि बताइए कैसे नंद जी ने पुत्रोत्सव मनाया और श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा जी ने कौन तपस्या की थी? कौन पूछ रहा है ये सब बातें? नारद जी किससे पूछ रहे हैं? नारायण ऋषि से। हाँ, श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। तो भगवान नारायण जो है ना, बताते हैं नारद जी को कि सुनो, मैं तुमसे यशोदानंद के तप का वर्णन करता हूं जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। यशोदानंद वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से धरातल पर अवतीर्ण हुए हैं। 8 वसुओं में द्रोण नाम के वसु हैं ये। कौन? नंद जी। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी वे सती साध्वी यशोदा हुई हैं, ठीक है ना। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था क्या? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, समझे। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को तैयार हुए। 10,000 साल तक तपस्या की और कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो क्या करते हैं? अग्निकुंड तैयार किया, उसमें दोनों उसमें कूदना चाहते थे अग्निकुंड में। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में करना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी बंदनी है। आकाशवाणी हुई
ये सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का सिर्फ तुमसे मैंने कहा, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा। हाँ, अब तुम्हें जो अभिष्ट है वो नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। नंद पुत्रोत्सव, नंदोत्सव, ये नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। ये प्रसंग सुखदायक है, ये प्रसंग सुखदायक है, मोक्षदायक है और जन्म मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। ये श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र, वैष्णवों का जीवन है, ये समस्त अशुभों का विनाशक और हरि के दास्य भाव को देने वाला है। श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। ये प्रसंग पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जयातिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा। अब नंद यशोदा ने क्या देखा, उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। क्या देखा, उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है, उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है उसके शरीर से। वह नग्न बालक, नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था, उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी, ऊपर छत में देख रहा है बालक। जमीन में पड़ा हुआ क्या देख रहा है, छत को देख रहा है, नंद महाराज के घर की छत को देख रहा है। उसका मुख शरद काल के पूर्णिमा की चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था, दोनों नेत्र नीले कमल की शोभा को मात कर रहे हैं। वो कभी रोता, बालक क्या करता है, कभी रोता है और कभी हंसता है, कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके स्त्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे, शरीर पर धूल लगी हुई है। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और दोनों चरण कमल प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। वो दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया, धाय, और उसकी नाल काट दी। अब देखो नाल कैसे काटी है? जब वसुदेव जी लेके आए तो फिर नाल कैसे काट दी, नाल काटी। अब कैसे काटी नाल है? तो ये तो वैसे ही है जैसे कि कृष्ण ने अपने प्रभाव से जब वसुदेव जी कारागार से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आप ताले खुल गए है? और दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, उनके हाथ की बेड़ियां, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, अपने आप खुल गई है ना। तो जब कृष्ण वहां यशोदा के घर में आए तो अपनी नाल जोड़ दी यशोदा के पेट से, तो उसमें क्या आश्चर्य है? क्यों, वसुदेव जी जब वापस आए कृष्ण को छोड़ करके तो हथकड़ियां बेड़ियां फिर ज्यों की त्यों उनकी लग गई और उनके ताले अपने आप लग गए, सांकल लग गई दरवाजे की, अपने आप सब लग गए। जब ऐसा चमत्कार होता है कृष्ण के प्रभाव से तो इसमें क्या आश्चर्य है कि माता यशोदा के पेट से अपने पेट की नाल भगवान कृष्ण ने जोड़ दी। अब नाल काटी, तो नाल काटी हाँ, उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रत की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिका गार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंदनंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई जो उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी, उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गईं। वो गई ही नहीं, रात में वहीं रह गईं। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की, फिर प्रसन्न से तो वहां
परंपरागत विधि का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। इसके बाद नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया, उत्तम रत्न मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए, किलों के 7 पहाड़ दान किए, सुवर्ण के 100 ढेर दान किए, सोने के 100 ढेर दान किए, चांदी धान के पर्वत दान किए, वस्त्र हजारों मनोरम गौएं दान की, दही दूध शक्कर माखन घी मधु मिठाई लड्डू स्वादिष्ट मोदक सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि दान की, वायु के समान वेगशाली घोड़े दान किए, पान और तेल इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूति कागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया रक्षा के लिए, उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा करवाई। युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्होंने बहुत से वस्त्र चांदी और हजारों गौएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ जिनकी वाणी सिद्ध थी हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में आए। कौन? ज्योतिषी। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिया, उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। ज्योतिषियों ने सब मतलब भविष्य बताया इस बालक का कि क्या भविष्य है आगे का। फिर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तन पान करते थे। वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक तेल सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा रोहिणी और नंद यही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।